पॉजिट्रोनियम. पॉजिट्रोनियम वॉज डिस्कवर्ड बाई फिजिसिस्ट एंड ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिसिस्ट मार्टिन डूविच in 1951. And the principle of most of the technique positronium ko detect karne ki wo bhi unke aur unhi ke students ne di thi in year between 1949 to 1952. So now let's find out what positronium actually is. Hello everyone, welcome to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokar, creator of this channel and also an experimental nuclear physicist. So today's topic, as you know, is what is positronium. So let's find out what it is. ठीक है, अभी मैं पॉजिट्रोनियम की डेफिनेशन लिखने वाली हूँ. तो जब मैं तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक वर्ड पर जो जो मैं बोल रही हूँ और लिख रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो हम और एक एक वर्ड को हम डिस्कस करेंगे कि है क्या और इनका मतलब क्या है. तो पॉजिट्रोनियम, और एक बात और मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, कि मैं मेरा जो एम है इस चैनल का वो है कि हम फिज़िक्स से दूर ना भागे, फिज़िक्स के पास आए. तो हमें फिज़िक्स से डरना नहीं है, ना ही हमें फिज़िक्स की क्रैमिंग करनी है. हमें बिल्कुल अच्छे और आसान तरीके से फिज़िक्स को समझना है और उसके साथ दोस्ती करनी है. ठीक है, तो ये ही हमारा मेन एम है. तो अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर. तो सबसे पहले पॉजिट्रोनियम को हम डिनोट करते हैं पी एस से. सो पॉजिट्रोनियम इज़ द बाउंड सिस्टम. लुक व्हाट आई एम सेइंग, पॉजिट्रोनियम इज़ द बाउंड सिस्टम ऑफ particle electron is an elementary particle and its antiparticle positron. Its positronium is like a hydrogen atom. So डेफिनेशन समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल बोला है मैंने, और एंटी पार्टिकल बोला है. जो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन. तो हम एक बार देख लेते हैं कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल होते क्या हैं. तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मास, इनके पास इक्वल मास होता है बट डिफरेंट चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर पार्टिकल. मतलब जो पार्टिकल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो एंटी पार्टिकल होगा जो है पॉजिट्रॉन, तो इस इन पे क्या होगा, इनके मास तो सेम होंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन के इक्वल होगा, लेकिन इनके जो चार्ज है ना वो डिफरेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होगा यहाँ पर, +1. तो ये होते हैं हमारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अब आगे हमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है. अब हम समझते हैं, सॉरी आई हैव टू रब दिस, अगर किसी को लिखना हो तो रिवाइंड करके लिख लेना प्लीज़. तो अभी क्या हो गया, अब हम समझते हैं कि हमने लिखा हुआ है बाउंड सिस्टम. तो बाउंड सिस्टम क्यों लिखा है, बाउंड एटम क्यों नहीं लिखा, सॉरी बाउंड सिस्टम क्यों लिखा है, एटम क्यों नहीं लिखा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं. अभी बाउंड सिस्टम की बारी है. तो होता जो पॉजिट्रॉन होता है वो अभी मैंने बताया आपको कि एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन. तो पॉजिट्रोनियम हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बाउंड सिस्टम है. तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता. ये दोनों आपस में
किसी सेंट्रल पोटेंशियल, आपस में सेंट्रल पोटेंशियल की वजह से बाउंड होते हैं और दोनों एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं, इसलिए मैंने बाउंड सिस्टम बोला है। एटम क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है एटम की डेफिनेशन क्या है, कि एटम हमारे पास तीन पार्टिकल कंटेन करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और उसी के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे होते हैं न्यूक्लियस में। तो मैं मुझे अप्रोप्रिएट नहीं समझती पॉजिट्रोनियम को एटम बोलना, तो बहुत सारी डिस्कशन भी होती है, तो पॉजिट्रोनियम को हम हमेशा बोलते हैं कि ये बाउंड सिस्टम है, किसका, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का और एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का। और दूसरा, मैंने कई जगह टीचर्स को देखा है, वो बनाते हैं पॉजिट्रॉन को ऐसे कि यहाँ पर वो दिखा देते हैं ई प्लस और पॉजिट्रॉन, और यहाँ दिखा देते हैं ई माइनस, जो कि गलत है। हमें ऐसा पॉजिट्रॉन नहीं बनाना चाहिए, पॉजिट्रोनियम ऐसा नहीं होता है, पॉजिट्रोनियम इस फॉर्म में होता है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं होता, दोनों सेंट्रल पोटेंशियल से बाउंड होते हैं। तो लेकिन वो भी एक तरह से गलत नहीं है, क्यों गलत, मतलब वो ये बनाते हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, पर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। और ऐसे वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो ये लाइन लिखी हुई है, इट्स लाइक अ हाइड्रोजन एटम, हमने बोला है कि वो हाइड्रोजन एटम की तरह होता है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम क्या है हमारे पास, मैं डेफिनेशन रब नहीं करना चाहती, मैं अभी यहाँ से ये रब कर देती हूँ, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, मैंने बोला कि ये हमें ऐसे नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी, तो अभी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम है क्या। हाइड्रोजन एटम होता है, एक प्रोटॉन हमारे पास होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये हमारा एटम है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए क्या कर देते हैं, ये एक प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, कि हमने एक प्रोटॉन था उसको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो हाइड्रोजन लाइक एटम है। ऐसे हाइड्रोजन इसको सॉरी पॉजिट्रोनियम को ऐसे ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि हम एक प्रोटॉन को रिप्लेस कर दे पॉजिट्रॉन से, नहीं, ये गलत है, तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम पॉजिट्रोनियम है क्या, बाउंड सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन एंड उसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन का, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल समझ लिया, बाउंड सिस्टम समझ लिया, और हाइड्रोजन एटम समझ लिया कि हाइड्रोजन लाइक एन एटम क्यों है, ये हमने समझ लिया। तो जो पॉजिट्रोनियम होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड मतलब इसकी लाइफ टाइम होती है, वो नैनो सेकंड में लाइफ टाइम होती है पॉजिट्रोनियम की। और इसके पीछे रीज़न भी है, मैं बता दे सकती हूँ क्योंकि क्यों शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो मैटर और एंटी मैटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअली रिएक्ट करते हैं और क्या म्यूचुअली रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। ये तो हमें पता भी है, आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc2, म्यूचुअली रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी प्रोसेस से, बाय एनहाइलेशन, एनहाइलेशन प्रोसेस से। तो एनहाइलेशन प्रोसेस से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, गामा की फॉर्म में, हाईली एनर्जेटिक फोटोन हमें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करके देते हैं, हाईली एनर्जेटिक फोटो। तो ये हो गया रीज़न कि पॉजिट्रोनियम शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। सो ये था कि पॉजिट्रोनियम है क्या, और पॉजिट्रोनियम की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन के साथ। और आगे जो थोड़ा सा और है कि पॉजिट्रोनियम किस स्टेट में अवेलेबल होता है, एप्लीकेशन क्या क्या है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का रिसर्च टॉपिक है, और तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ और उसमें डालती हूँ, और इसमें अगर मैं डालती तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो थैंक यू सो मच अगेन, गिविंग सो मच लव टू माई चैनल, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल बी अपलोडिंग मच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आई विल अपलोड इट सून। थैंक यू, बाय बाय।